आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स। इसके लिए हम एग्जांपल 1 कंसीडर करते हैं, जिसमें हमें ये एक क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले हम x की वैल्यूज को आपस में ऐड करेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा था कि अगर दो सेम वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। इसके बाद y की वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स में हमने ये भी बात पढ़ी थी कि अगर दो सेम वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हों तो उनकी वैल्यूज सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। इसके बाद ओवर का साइन आएगा, जबकि x की वैल्यूज को आपस में ऐड कर दिया जाएगा, जिससे हमें इस क्वेश्चन का ये आंसर हासिल हो जाएगा। अब हम एग्जाम्पल 2 कंसिडर करते हैं, जिसमें हमें ये एक क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले हम a की वैल्यूज को आपस में ऐड करेंगे, जबकि b की वैल्यू 0 का मतलब 1 होता है, जिससे हमें ये स्टेप हासिल होगा। इस स्टेप को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये वैल्यूज हासिल हो जाएंगी। जैसा कि हमने लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स में ये भी बात पढ़ी थी कि अगर किसी वैल्यू की पावर नेगेटिव हो और उसका रेसिप्रोकल ले लिया जाए तो वो पावर पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। इस स्टेप को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इस क्वेश्चन का ये आंसर हासिल हो जाएगा। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन।